नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किए थे कि जो भी गरीब महिलाएं हैं जिनके जन धन अकाउंट खाता है, उन सभी अकाउंट में 500 रुपये 3 महीने तक डाला जाएगा। मतलब 500 रुपये करके 3 किस्त में 3 महीने में दिया जाएगा। तो पहला किस्त आज ही देने वाले हैं, और कौन कौन से अकाउंट होल्डर को ये मिलने वाले हैं और कौन कौन से अकाउंट होल्डर को अभी नहीं मिलने वाले हैं, कौन कौन से तारीख को, सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोरोना से रिलेटेड हमने कई वीडियो बनाए हैं और वीडियो आता रहेगा। जो भी अपडेट आएगा हम जल्द से जल्द वीडियो लाने का कोशिश करते हैं, और आप देखते हैं कि जो भी अपडेट आता है हम जल्द से जल्द वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द वीडियो ला रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं इसका पूरा डिटेल है क्या। जनधन खाते में मोदी सरकार ने कोरोना संकट की वजह से गरीबों के खाते में पैसे डालने का ऐलान किया था। देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद सरकार गरीब महिलाओं के जनधन खाते में हर महीने 500 रुपये डालेगी। यह मदद की रकम 3 महीने तक दी जाएगी। सरकार गरीब महिलाओं के जनधन खाते में हर महीने 500 रुपये डालेगी। यह रकम महिलाओं के खाते में 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में डाले जाएंगे। इसका मतलब है कि आज 3 अप्रैल है और आज से लेकर के 9 अप्रैल तक पैसे डाले जाएंगे। जो भी बैंक अकाउंट है उसमें, सारे बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से बैंक अकाउंट का जो पहले पैसा आएंगे और कौन कौन से अकाउंट में लास्ट में आएंगे। मोदी सरकार ने कोरोना संकट की वजह से गरीबों के खाते में पैसे डालने का ऐलान किया था। देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद सरकार गरीब महिलाओं के जन धन खाता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके परिवार में जन धन खाता नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपका जन धन खाता है तभी आपको मिलने वाले हैं ये पैसे, और ये पैसे महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। खाते में महीने 500 रुपये डाले जाएगी। यह मदद की रकम 3 महीने तक दी जाएगी। अब इंडिया बैंक एसोसिएट 9 अप्रैल तक आएगी सभी खातों में पहली किस्त। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने 500 रुपये की राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत मदद दी जाएगी। खाता धारकों के अकाउंट में पैसे उनके अकाउंट नंबर के आखिरी अंक के अनुसार अलग-अलग दिन डाले जाएंगे ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से लास्ट डिजिट अगर आपके बैंक अकाउंट में है तो कौन कौन से तारीख को पैसे आने की संभावना है। आप वहाँ से चेक करवा सकते हैं कि आपका पैसा आया कि नहीं आया। तो आप चल देखिए ये पूरे वीडियो को, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जन धन खाता की आखिरी डिजिट 0 या 1 है, उसके खाते में आज 3 अप्रैल को पैसे डालेंगे। और जिन जन धन खातों की आखिरी डिजिट 2 या 3 है उसे उसके खाते में 4 अप्रैल को पैसे डाले जाएंगे। और जिसके बैंक अकाउंट के लास्ट में 4 या 5 डिजिट है उसे 7 अप्रैल को डाला जाएगा। और जिसके बैंक अकाउंट में 6 और 7 डिजिट आते हैं, 6 और 7 लास्ट है बैंक अकाउंट में, तो उसके खाते में 8 अप्रैल को पैसे डाले जाएंगे। और आखिरी 8 और 9 डिजिट के जिसके भी बैंक अकाउंट में आखिरी 8 और 9 डिजिट मिलेंगे, मैच करेंगे, उनके अकाउंट में 9 अप्रैल को पैसे डाले जाएंगे। तो इस तरह से प्रोसेस से पैसे डाले जाएंगे। गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि गरीब महिलाओं के जनधन खातों में हर महीने 500 रुपये डाले जाएंगे। कुल जनधन खातों में 53% महिलाओं के नाम है। इस तरह से गरीब 200 करोड़ महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय।